ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक होगा गायों के दूध से। बता दें कि तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा केदारनाथ में दो गायों को लाया गया है। अब ये दोनों गायें कपाट बंद होने तक केदारपुरी में ही रहेंगी। इन दोनों गायों से प्राप्त होने वाले दूध से अब प्रतिदिन बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना एवं रुद्राभिषेक किया जाएगा। वैसे तो इन दोनों गायों को कपाट खुलने के दिन ही केदारनाथ लाया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ये गायें दो महीने के बाद केदारपुरी पहुंची हैं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सत्य भारत में। ओम भगवते भैरवाय नमः। केदार भैरवाय नमः। भूखंड भैरवाय नमः। काल भैरवाय नमः। भूखंड भैरवाय नमः। आज शुभ मंगलवार के शुभ दिन के अवसर पर श्री भैरवनाथ जी में गाय के शुद्ध गाय के दूध के द्वारा दुग्ध धारा द्वारा अभिषेक किया गया और आज मंगलवार भी है और इस भगवान भैरवनाथ की परम कृपा से इस भारत में फैले हुए संक्रमण COVID-19 की से जो है भैरवनाथ बाबा में ये पूरे विश्व में शांति हो और ऐसी अखंड अभिषेक भैरवनाथ जी बाबा का चलता रहेगा। जय बाबा भैरवनाथ। रीम नमो भगवते वासुदेवाय। रीम नमो भगवते वासुदेवाय। रीम नमो भगवते बाबा। आज भगवान श्री भूखंड भैरव में गाय के दूध के द्वारा अभिषेक किया गया और वेद मंत्रों के द्वारा वेद मंत्रों द्वारा साथ में हमारे केदार सभा के श्री अध्यक्ष जी विनोद शुक्ला जी और उनके गोधाम गाय कली केदारनाथ में आई है और कल भगवान केदारनाथ का अभिषेक हुआ था और आज जो है मंगलवार को भैरवनाथ जी का अभिषेक किया गया और मंत्रोच्चारण द्वारा और ऐसे ही भगवान दूध के द्वारा अभिषेक होता रहे और ये जो संक्रमण पूरा भारत में या विश्व में फैला हुआ है भगवान भैरवनाथ बाबा करे जल्दी से जो है इससे निजात मिले और पुनः जो है यहाँ जो खुशहाली थी पूरे केदारपुरी में और तमाम भक्तों का ताता यहाँ लगा हुआ रहता था उसी तरह वापस हो जाए बाबा भैरवनाथ जी से हम यही प्रार्थना करते हैं। जय बाबा भैरवनाथ।